के खून की कमी है। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में घाना मती रामपुर गांव निवासी महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों के साथ पहुंचकर एनम और आशा बहु पर नवजात बच्चे को असंतुलित टीका डोज देने के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का आरोप है कि 21 तारीख को वो घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी, जहां ड्यूटी पर तैनात एएनएम दीपिका पाल ने बच्चे को खसरा सहित लगातार 3 अन्य टीके लगाए थे। मां का आरोप है कि टीका लगने के कुछ घंटों के बाद ही बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। घबराए परिजन बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुधवार देर रात बच्चे की मौत हो गई। वहीं गुरुवार सुबह पीड़ित अपने मृत बच्चे का शव लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और धरना देते हुए एनम और आशा बहु पर लापरवाही का आरोप लगाया। कई घंटों तक धरना देने के बावजूद कोई भी सक्षम अधिकारी पीड़ित महिला के पास नहीं पहुंचा। वहीं नवजात की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। क्या मामला? बच्चे की 21 तारीख को वैक्सीन लगी थी, तो मेरे मम्मी पापा तो घर में थे नहीं, घर में भाभी अकेले थी, भैया बाहर थे, भैया भी नहीं थे। तो आशा बहु आई बुलाने, तो भाभी लेके चली गई, घर में कोई था नहीं, ताला लगा के चली गई लगवाने टीका। उसके बाद 2 टीका लग गए। उसके बाद भाभी ने पूछा और टीका लगेंगे, तो आशा बहु ने बोला हाँ लगेंगे। उसके बाद 2 और लगा दिए। अब पता नहीं उस वैक्सीन में क्या एक्सपायरी थी, देखा है डॉक्टर ने या नहीं देखा नर्स ने, लगाने के लिए लगाने के पहले चेक किया या नहीं किया, या तो फिर एक्सपायरी होगी या तो फिर डॉक्टर की गलती होगी या तो फिर वैक्सीन लगाई गई थी। क्या बीमारी? 11 महीने की बच्ची हो चुकी है, खतरा का टीका लगा था। अच्छा, टीका करवाया? हाँ। उसके बाद फिर क्या दिक्कत हुई बच्चे को? उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद, जिस दिन वैक्सीन लगी उसके बाद से उसको फीवर 105 डिग्री 110 डिग्री से कम नहीं हुआ, 4 दिन हो गए। 2 दिन के बाद मेरे पास पहले भैया घाटमपुर कहीं दिखाने आए किसी हॉस्पिटल में आशा बहु के साथ साथ, उसी की जानकारी। उसके बाद वहाँ दूसरे दिन मूसा नगर हॉस्पिटल में किसी में ले गए दिखाने के लिए। हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं पता, इतनी जानकारी है। उसके बाद मूसा नगर से मुझे भैया ने डायरेक्ट फ़ोन किया, मैं ड्यूटी पे थी, तो भैया ने बोला बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो मैंने उसी वक्त कहा बेटी को अभी चांदी से आओ, अभी तुरंत खुद की गाड़ी करके लाओ, मेरे पास बेटी को चांदी से पहुँचाओ। तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में किसके संपर्क में चले गए? हम खुद जॉब करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कुछ डॉक्टर लोग जानकारी में थे, कुछ भैया लोग, तो उनके माध्यम से मैंने बच्चे को एडमिट कराया था। तो क्या घटना हुई है बच्चे को? तो घटना क्या हुई है, 12 घंटा जब ले गए हैं तो उसकी जाँच हुई है। 2 घंटे बाद उसकी जाँच आई है, तो रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो उसमें भर्ती किया है। उसमें जब भर्ती किया तो उसके बाद 1 घंटा बाद पहले फाइल बनी है, उसके बाद इसकी दवा वगैरह सब चालू हुई है। मैंने बिलिंग वगैरह 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो करना था पहले कर दिया था अकाउंट। उसके बाद में इसकी दवा चालू हुई है, तो वही दवा चालू हुई है 10-11 के बीच में रात में। तो दवा लगने के बाद 15-20 मिनट बाद बिट्टी थोड़ा ठीक हुई है। उसके बाद दवा रात भर चली है। रात भर मैंने 1 मिनट के लिए सोए नहीं है, भैया भाभी भी नहीं सोए हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, कुछ भी नहीं। बिट्टी ने दूध भी नहीं पिया है, ना पोटी की। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।